अरे एबे मात्र जानि चंदी हमर जो कार्तिक पूर्णिमा माड़ी आसलानी बुझी पड़चंदी बोले डोंगा भसा हेले डोंगा भसा पूर्वरु भी लोक माने पूरा मासुडा सारा का बुड़ पके राइस खायार नहीं आरो सबु जाक घास फूस खाइबे बोले परिवा साग बाग एगुटा सब खायार आईस वाइंस खाएनि भोर टू जा पानी रे बुड़ पकेबे केते केते बढ़िया बढ़िया पुण्य अर्जन करम गाँव रखे गोटे अच्छी चिल्ली गाड़े मो हेतु अच्छे ना मुड़ा कही भांगी भुंगा गला किए जग्रत करना गोटे डंगे समस्ते आका भरोसा करके एपट सेपट होती मुझे भाविली मुझे जाऊे देखीदे आईबी केत बाट गला कमटा कम है कि नहीं बोले आका मुह मार पलिरे गला बेलू आम नानी मानी क्यों कर देखिए पूरा ताटका भाई रे तुम्हें जब हबिष काढ़ी थोड़े भोर टू जा बुड़ पकना मात्र खरा बेलटा कि कथा भाई खरा बेले देख ला बेलू अवस्था भाई बुढ़ी बुढ़ा जीवे इतनी हाउ हाउ हो देखिए पूरा ताटका मरा इंटे अनैचे आप देखुना सेडी हो हल्ला हो जत्ते हल्ला गुराले छड़े कते छाड़ो तमरो दूर भासाटा ऊपर गिंद रखे चले तळे पड़ जले स्वाहा के सुनियर नांती किए कागज पट धरि कि किए नानी माने नानी से जेडी के जोर ता भितरे तमे माने सब पोइच मात्र का बुद्धि रे पोइच मु जानेनी हेले जिए भी बुद्धि न गई चन तांकर सब विकृत चिंताधारा जा करिवार छ आज्ञा कथा रछि पानी नियार की खेलो हे की खेल तुम्हें जो पानी रे पोइचो नाई नाई आज कार गोड़ खसी जीवन टा चली जीव हो जे नार न गौ थी के पीठ से पड़े आर तुम ये बुद्धि किए दे पानी भितर पशिया को तुम ऊपर थी कौन गोड़े छाड़ पार आज्ञा जदि सरकार आपणकर कथा शुणार थे उपर थी कहले भी मात्र से मैंने आका शुणे तुम्हें जो वयस्क लोक भी तुम मान सहित अच्छा तुमने जाने पोच कैडे कथा भाई आज जदि तेरे साप कामुड़ा भाभी जो कार गोड़ खसी गला से गोटे काठी पोताई से पड़ को जीवन ना जदि भाव टिके गोड़ खसी गला ताले कौन हम जीवन डाग ना ए विद्रोह करवा डाग आज्ञा मुना एम जीवन को लोभ लगुच बोली कहली से जानी ना जीवन टा कौड़ी आका पड़ी आम जो नवीन बाबू आज ओलम मिशन शक्ति से मिशन शक्ति आम माँ मान अच्छु कि आज नवीन सरकार बाबू आम कहू जो निकुष्ट है कि माँ मान आज नदी में पशिक कांदु निरीह गरीब लोक मैंने आज गोटे पेसेंट नेलु हजार टंका ना डा हो पार आज जो गोटे पेसेंट छटपट हो गोटे गाड़ी भड़ा ना हो पार आर पट को डा भड़ा दि हजार टाँ ना तेणुक गरीब माँ आणबू कौटू पेसेंट देखेबू कौटू सुविधा करू केमी ए चिलिका नदी में बुड़ी मरबू कि पड़ की मरी जाऊ छटपट सीना मरबे हेले आज तांको कथा रखिबे कहार माने हूँ डेली डेली मरवा अपेक्षा गोटे दिन मरिया को चल जाइंट कि आज्ञा भूल माने निजे बंची केते पोलो केते रास्ता चढ़ की जीवा आज्ञा ये जो बुढ़ा बुढ़ी लोक मैंने कि हूँ ए मौसी मैंने आज ये जो पा भितर पैचती कौन पैचती सुनना असुविधा होने आम एत दौड़ी एत ये लड़की माँ मैंने दांड को बाहरी नु आज आमको नवीन सारे आमको जोता कर जोटा आमको देखते आम सही आगे बाहर आम बहु ओढ़ाई दांड को बाहरी पा भितर कहीं पशिलु मुझे कल गोटे झीटा को नहीं थी गोटे मेडिकल को नहीं थी मोर बहुत असुविधा है सेपटे झीटा को आनी पाइल राति रही पड़ा तथापि मत गोटे डा मिललानी कि ना मु डाटे भड़ा कर चाहिए मतलब चाहिए भोट को भोट दौ कि असुविधार सम्मुखीन हो पार आज्ञा एम जो ढड़ा है विद्रोह करतपड़ जहानी कोलाई पांच किलोमीटर आका चाहते गोटे ब्रिज टे हो आर आज पर्यटन आज्ञा से ब्रिज कौन काठीटे भी पोता है पानी आप काठी पोता है पोताई चार आज से पाने से बुड़ी मरीज बोली लोक मान से कही सेपट को आका जीवन मुझे काठी कथ कहनी आज्ञा यार जो नुआ काठी कथ कह जो थे ब्रिज निर्माण हम के लोक मैंने के अवस्था होती आपण मैंने तो पूर्व भिडियो देखी थे हेतु नहीं आउट देखि दूना कि अवस्था लोक मैंने जाऊँ देखिले तो ये एड जो मानने कौड़ी ना पड़ू काली जाए कथा कहले कि कौड़ी ना पड़ू जाए कि लोक मैंने अवस्था जाऊँच आ लोक मैंने आज जा पानी से पशिले का जीवन दब आज्ञा जीवन दब क्यों तो जो व्यवस्था कर जीवन तो चली जब आम जेत गवर्नमेंट को अनुरोध कले भी बहुदिन सांसन हो
କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର କେବେ ହେଲେ ବ୍ରିଜ ସାଂକ୍ସନ କରିକି ବି ବ୍ରିଜ ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁନି କି ବ୍ରିଜ ନା କରୁନି। ଯେତେ କହିଲେ ଭୋଟ ଆସିଲା ବେଳେ ସିଏ ଭୋଟ କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହଁ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ କହିଦେଇକି ତାଙ୍କ ଲାଇନରେ ସିଏ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମ କଥା ବି ସିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇଠି ମାତ୍ର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ବୟସରେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ପାଣିରେ ପଶିଛନ୍ତି ନିଜର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଭାଇ ଏମାନେ ଆହୁରି ଦିକଦ ମାଗରେ, ମାତ୍ର ଏମାନେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏମିତି ଶୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଏକା ଭଳିଆ ରଙ୍ଗଟା ଥିଲା ଭାଇ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇମାନେ ଥିଲେ। ଭାଇ ତମେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ ରୋଡ଼ରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଟା ଉପରେ ଯେଉଁ ଶୋଉଛ, ସେଇଠିରେ ନିଜେ ନିଜର ସେଲ୍ଫି କାଢ଼ୁଛ, ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ତମର ସେଲ୍ଫି କାଢ଼ିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ପ୍ରପର ୱେରେ ନିଜ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନଈ ପୋଖରୀରେ ପଶିକି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଶୋଇକି ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଦାବି ପୂରଣ ଦୟାକରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯଦି ଏମିତି ଆକା କଲେ ମାତ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଦେବେ, ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ପୂରଣ କରିଦେବେ, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ଧାରଣା। କେବଳ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆପଣ ଦୁଃଖ ପାଇବେ, ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ କିଛି ପାଇବେନି। ଯଦି ଦାବି କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ପ୍ରପର ୱେରେ ଯାଇକି ଦାବି କରନ୍ତି ସେମିତି କରନ୍ତୁ। ଇଏ ରାସ୍ତାରେ ଖରାରେ ଶୋଇକି ବିଚ୍ ରୋଡ ଉପରେ ଆଜି ଟ୍ରକ୍ ଯଦି ଚଢ଼ିଦେବ, କାର ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ? ପୁରା ପରିବାର ସହ ସ୍ମାସ୍। ଆଉ ତାଙ୍କେ ଯଦି ସେଠି ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା ପୁରା ସୁହା, କେଜାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆଜ୍ଞା ଜମା ଭଲ ଲାଗୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ଶୈଳୀ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ସେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆସି ଆପଣଙ୍କୁ କହିନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା ଇଏ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମଣିଷ କି କିଛି ଲୋକ କେତେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସହିପାରିବେ, ସହିବାର ସୀମା କ୍ରସ୍ କଲେ ମଣିଷ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେବଳ ପାଗଳାମୀ କହିବି, କଷ୍ଟ ପାଇବେ ନିଜକୁ ସେଇଆ ହିଁ କହିବି, ଏଥିରେ କେତେ ଦାବି ପୂରଣ ହବ ସେଇଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଆଶା କରିବି ଏମିତି ଆଉ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଆପଣମାନେ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜଲ୍ଦି ଶୁଣି ଯାଆନ୍ତୁ।